छात्रों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा पाठ दशम नीति नवनीतम का अभ्यास कार्य हल करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य नंबर फर्स्ट है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्यों के जन्म के समय कौन कष्ट सहता है। माता पितरौ, माता और पिता, कीदृशं जलं पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। वस्त्र कुतम, वस्त्र से पवित्र या वस्त्र से छानकर। ग नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकलितः, मनुस्मृतेः, मनुस्मृति से कीदृशीं वाणी वाचं वदेत, कैसी वाणी बोलना चाहिए। सत्यपुताम, ग दुःखं किं भवति, दुख से क्या होता है, दुख क्या होता है। तो दूसरों के वश में रहना ही दुख होता है, इसलिए आंसर होगा इसका परवशम, दूसरों के वश में रहना दुख होता है। आत्मवशम किं भवति, अपने वश में रहना क्या कहलाता है, अपने वश में रहना रहने से क्या मिलता है, सुखम सुख। छह कीदृशं कर्मं समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए। मनः उत्तम, मन से पवित्र। एक्सरसाइज सेकेंड अधोलिखितानि प्रश्नानाम पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्णवाक्य में लिखिए। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किं लक्षणं उक्तम, इस पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं। पाठे अस्मिन् उक्तम यत् सर्वं परवशं दुःखम् अस्ति, इस पाठ में कहा गया है कि दूसरों के वश में रहना ही दुख है, सब दुख है। सर्वं आत्मवशं च सुखम् अस्ति, और अपने वश में रहना ही सुख है, अपने वश में रहना ही क्या है, सब सुख है। यह सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। ख वर्ष शतेरपि कस्य निष्कृति ही कर्तुं न शक्या, यानी 100 वर्षों में भी किसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है। माता पितरौ नृणां संभवे यम क्लेशं सहेते तस्य निष्कृति ही, कश्य की जगह तस्य लगाकर तस्य निष्कृति ही वर्ष शतेर अपि कर्तुं न शक्याः, इतना आप क्वेश्चन में से लिखेंगे कि माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय में जो कष्ट सहता है उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। ग त्रिषु तटे तुष्टेषु तपः समापिते वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति, तो वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति माता पिता गुरुश्च, इस वाक्य में तीन हैं माता पिता और गुरु, ये तीनों ही हैं जिनको क्या किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है, और उनको उनके संतुष्ट होने पर उनका जो तप होता है वह समाप्त हो जाता है, अर्थात में हमें अपनी तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है इन तीनों के संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर। घर अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम् कि हमें हमारे द्वारा कैसा कर्म करना चाहिए, किया जाना चाहिए। यत् कर्मं कुर्वतः कि जो कर्म करते हुए आत्मनः परितोषः कि जो स्वयं को प्रसन्नता हो। स्यात् अस्माभिः तत् कर्मं कर्तव्यम् कि ऐसा कर्म हमारे द्वारा किया जाना चाहिए कि जो कर्म करने से
अपने को प्रसन्नता प्राप्त हो, संतुष्टि मिले, संतोष हो, हमारे द्वारा वैसा कर्म किया जाना चाहिए। अभिवादन शीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन शीलस्य आयु विद्या यशः बलं च एतानि चत्वारि वर्धन्ते च सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किसका भला करना चाहिए। माता पितरौ गुरोश्च सर्वदा प्रियं कुर्यात्, माता पिता और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। प्रियम का अर्थ यहाँ होता है भला या प्रसन्न करना चाहिए। माता पिता और गुरु को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उनका हमेशा भला करना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, यह च वाला आंसर, इस च नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ लिखा हुआ है। स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। वृद्धोपसेविनः आयुर् विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति के आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो किसके नहीं बढ़ते हैं तो किसकी आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं, तो यहाँ पर किसके लिए आता है, कश्य। कश्य आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। ख मनुष्यः सत्यकृतां वाचं वदेत्, मनुष्य को पवित्र वाणी बोलना चाहिए। तो यहाँ कैसी वाणी बोलना चाहिए, इसके लिए आएगा कीदृशीं वाचं वदेत्, कैसी वाणी बोलना चाहिए, कीदृशीं। ग त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सारा तप समाप्त हो जाता है। तो तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, क्या के लिए आएगा किम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं किम समाप्यते। घ माता पितरो नृणां संभवं आकथनीयं क्लेशं सहेते, माता और पिता मनुष्यों के जन्म के समय आकथनीय दुख सहते हैं। तो यहाँ आएगा माता पितरो, यानी कौन कौन मनुष्यों के जन्म के समय अकथनीय दुख या कष्ट सहते हैं, तो कौन के लिए आएगा, कौ, द्विवचन का है कौ। अंग तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा भला करें या करना चाहिए। तो किन का, कयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, किसका हमेशा भला करना चाहिए या भला करें। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट, भाषायां वाक्य प्रयोगं कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करें, दिए गए शब्दों का संस्कृत में वाक्य बनाना है। का विद्या, अब विद्या शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। विद्या फर्स्ट वाला बनेगा आपका, बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त की जा सकती। दूसरा तपः, तपस्या, सह वने तपः आचरति, आचरण करें। मनः कूतं समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करें। परितोषः, संतुष्ट, मनः फोर्थ, यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः तत् कर्तव्यम्, कि जो कर्म करते हुए अंतरात्मा
प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, वही करना चाहिए। लास्ट वाला है नित्यम, हमेशा। नित्यम सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। एक्सरसाइज फिफ्थ, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ और अशुद्ध वाक्यों के सामने नैव ऐसा लिखें। अभिवादन शिलस्य किंपिना वर्धते, प्रणाम करने वाले व्यवहार वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है। क्या जो बड़ों को प्रणाम करता है क्या उसका कुछ भी नहीं बढ़ता है? यह वाक्य गलत है या सही है? तो यह वाक्य गलत है, इसलिए हम लिखेंगे नैव, न ही। ख, माता पितरो नृणाम समूपे कष्टम सहते, कि मनुष्य के जन्म के समय माता पिता कष्ट सहन करते हैं। हाँ, आम। ग, आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखम् अस्ति, अपने वश में रहना सब सुख, रहना ही सब दुख है। नैव, नहीं। घ, येन पितरो आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समापिते, जिसे माता पिता और गुरुजी को संतुष्टि हो उसका सब कुछ या सब तप समाप्त हो जाता है। यानी जो जिसे माता पिता और गुरुजी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उस मनुष्य की सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, उसे अपनी तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। यह वाक्य सही है? हाँ, आम। ग, मनुष्यः सदैव मनः पुत्रं समाचरेत, मनुष्य हमेशा मन से पवित्र आचरण करें या आचरण करना चाहिए। हाँ, आम। च, मनुष्यः सदैव तदेव कर्मं कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य वही कर्म करे जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो। हाँ, आएगा आम। एक्सरसाइज सिक्स्थ, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यते, उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माता पितरौ तपसः निष्कृतिहि कर्तुं शक्या वर्षसते अपि, माता पिता की तपस्या का निस्तार कर सकता है वर्षसते अपि 100 वर्षों में भी। ख, नित्यं वृद्धोपसेविनः, हमेशा बूढ़ों की सेवा करने से बढ़ते हैं। चत्वारि, चार बढ़ते, पांच या छह आएगा चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि। गर, त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वं समाप्यते, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तपः, तपः सर्वं समाप्यते। घर, ऐतत विद्यात लक्षणं सुख दुखयो, यह जानना ही सुख दुख का लक्षण है। संक्षेप में समासेन। घर, दृष्टि कुतम यसेत, आँख से देखकर, पादम न्यसेत पादम, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, आँख से देखकर पांव रखें। च, मनुष्यः माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। एक्सरसाइज सेवंत, शुशात चित्वा उचिता व्ययेन वाक्यपूर्तिं कुरुत, पेटिका से उचित अव्यय शब्द चुनकर वाक्यपूर्ति कीजिए। तावत अपि एव यथा नित्यं यादृशं, क, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, उनको हमेशा या उनका हमेशा भला करना चाहिए। कर्मं करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे तादृशं फलं प्राप्यसि, वैसा ही फल पाओगे। घ, वर्षशतेः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्याः,
सौ वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता। घर तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उनके तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। च यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमं कुरुत, जब तक सफल नहीं हो तब तक परिश्रम करो। अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। आप इन सभी अभ्यास कार्य का अभ्यास करें। धन्यवाद।